वेल हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेड ब्लड म्यूजिक प्रोडक्शन। देखो यार, इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ स्पेस बार से रिलेटेड प्रॉब्लम। पता है प्रॉब्लम क्या है? कि एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया, जब भी वो पहले प्ले करता था तो क्या होता था कि जहाँ प्ले किया वो वहीं स्टॉप हो गया। जैसे अभी यहाँ से मैं प्ले करता हूँ, तो अगर मैंने इसे स्टॉप किया तो यहीं पर स्टॉप हो गया और यहीं से स्टार्ट हो गया। तो अभी हम स्पेस बार दबाते हैं तो क्या होता है? स्टार्ट हो गया, शुरू से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें बताता हूँ। प्रॉब्लम काफ़ी छोटी है पर कुछ लोगों के लिए काफ़ी बड़ी है, ठीक है ना? तो मुझे लगा वीडियो बनाना चाहिए। तो देखो, यहाँ देखो, राइट क्लिक करो और रिमेंबर सीक टाइम तुम्हें दिख रहा है तो इसे क्लिक करोगे तो क्या करोगे? अब जहाँ भी तुम स्टार्टिंग से क्लिक करके उसे प्ले करोगे, देखो यहाँ पे एक मार्क बन गया, वो वहीं पे आके रुक जाएगा वापस से। और अगर आप ये प्ले पॉज वाली सिचुएशन करना चाहते हो अब, तो क्या करना होगा इसके लिए? प्ले करो कंट्रोल प्लस स्पेस तो वहीं स्टॉप हो जाएगा, और खाली स्पेस दबाओ स्टार्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस स्पेस वहीं पे स्टॉप हो गया। और एक और, अगर आप कंट्रोल प्लस स्पेस नहीं दबाना चाहते तो सीधा F5 दबाओ, स्टार्ट हो गया। वापस से F5 दबाओ, वहीं पे स्टॉप हो गया। वापस से F5 दबाओ, स्टार्ट हो गया। तो ऐसे आप इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। ऐसा कोई फ़िलहाल ऑप्शन नहीं दिया गया है कि आप स्पेस बार के बिहेवियर को चेंज कर पाएँ, स्टॉप एंड प्ले से चेंज करके उसे प्ले एंड पॉज पे चेंज कर पाएँ। ऐसा कोई फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं दिया गया एप्पल स्टूडियो में। शायद फ्यूचर में ऐसा कोई अपडेट में ऐड कर दे, पर फिलहाल ऐसा नहीं है। आपको कंट्रोल स्पेस यूज़ करना होगा या फिर F5 यूज़ करना होगा। प्रॉब्लम छोटी थी पर मुझे लगा बताने नहीं चाहिए, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो भी म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए दोस्तों, ओवर एंड आउट।